आज हिंदू के एरिया में मुसलमान को डर लगता है, मुसलमान के एरिया में हिंदू को डर लगता है। इसी कारण से हम कहते हैं कि हम इस तहजीब को दोबारा लौटा करके रहेंगे। मैं मुसलमानों का अधिकार मुसलमानों को दिला करके रहूंगा। अब की बार दावे के साथ कहता हूं, मुख्यमंत्री मुसलमान होगा उत्तर प्रदेश का, और 2029 में भी मुसलमान होगा भारत का प्रधानमंत्री। तो जय श्री राम कहकर के वोट नहीं मांगेगा, नहीं उसके साथ हाल बंगाल जैसा किया जाए। टाइम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल थे ভিডিওর কিছু অংশ আপনাদেরকে দেখাবো। পুরো ভিডিওটা যদি দেখতে চান ডিসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেব, আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। যেখানে এই ভিডিওর মধ্যে এই মহারাজ বলছে 2024-এ এই 2022-এ উত্তরপ্রদেশ ইলেকশনে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে একজন মুসলিমকে, 2029-এ একজন মুসলিমকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। ভিডিওতে গিয়ে আমি কমেন্টগুলো পড়ে দেখছিলাম, সেখানে কিছু মুসলিম ভাইয়েরা তারা কমেন্ট করেছে যে দেশের মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা পরিণতি চলছে, দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে, দেশের মধ্যে দাঙ্গার পরিবেশ চলছে, যেখানে আমাদের দেশের গদি মিডিয়ারা, আমাদের দেশের কিছু নেতা তারা দেশের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ ইলেকশনের জন্য হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা বিভাজনের, একটা ডিভাইডের পরিকল্পনা শুরু করেছে। তাই সেই সব মুসলিম ভাইগুলো কমেন্টে বলছে যে আমরা প্রধানমন্ত্রী চাই না, আমরা মুখ্যমন্ত্রী চাই না, আমরা চাই দেশে শান্তি। আপনারা ডিসক্রিপশনে গিয়ে সেই ভিডিওর লিঙ্কটা দেওয়া আছে, আপনারা পুরো ভিডিও দেখতে পারেন আর কমেন্টগুলো আপনারা দেখতে পারেন। চলুন এই মহারাজ কি বলছে ভিডিও দেখুন, আর আপনার মতামত কমেন্টে জানাবেন। এই তো গঙ্গা জমনি তহজিব হ্যাঁ, यहाँ पर ईद के दिन हिंदुओं में मिठाई जानी चाहिए, दिवाली के दिन मुसलमानों में जानी चाहिए। ईद पर मिलन हो हिंदू मुसलमान का, और होली पर भी मुसलमान और हिंदू का जो मिलन हो, यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी बात है। यही फिजा तो खराब की है बीजेपी ने 2014 के आने के बाद में, इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया है, हिंदू मुसलमान में दरार डाल दी है। आज हिंदू के एरिया में मुसलमान को डर लगता है, मुसलमान के एरिया में हिंदू को डर लगता है। इसी कारण से हम कहते हैं कि हम इस तहजीब को दोबारा लौटा करके रहेंगे। चाहे ये वेशभूषा है, चाहे हिंदूवादी लोग मुझे जानते हैं, पर मैं कहता हूँ मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। मैं मुसलमानों का अधिकार मुसलमानों को दिला करके रहूंगा। अब की बार दावे के साथ कहता हूँ, मुख्यमंत्री मुसलमान होगा उत्तर प्रदेश का, और 2029 में भी मुसलमान होगा भारत का प्रधानमंत्री। राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर का किसी प्रकार से मुद्दा नहीं। हर समझदार आदमी जानता है मंदिर में क्या कटोरा लेकर के बैठ के भीख मांगेंगे, ये मंदिर काम नहीं आएगा। हॉस्पिटल काम आएंगे, विद्यालय काम आएंगे, विकास के मुद्दे काम आएंगे, फैक्ट्रियां काम आएंगी, रोजगार काम आएगा, ये मंदिर मस्जिद काम नहीं आएंगे। हम मंदिर और मस्जिद वाले नहीं हैं। हिंदू अगर आप ऐसा कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मंदिर इतने बने हुए उसमें दिक्कत क्या है? ये मंदिर बनेगा, हम प्रणाम करने सबसे पहले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे, भगवान के नाम पे वोट मांगेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। कोई जय श्री राम कहकर के वोट नहीं मांगेगा, नहीं उसके साथ हाल बंगाल जैसा किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ब्राह्मणों के 5000 इनकाउंटर किए हैं, और सबसे ज़्यादा बलात्कार के केस करवाए हैं। बीजेपी के लोगों ने बलात्कार बहुत ज़्यादा किया है, इसलिए काफी लोगों ने कानून व्यवस्था है देश में, प्रदेश में कानून व्यवस्था है? कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कोई कानून व्यवस्था होती तो बलात्कारी बलात्कार नहीं करते। और जो कि जितने भी दलित इत्यादि, उनको पर अन्याय नहीं होता, मुसलमानों को पर अन्याय नहीं होता। मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ी कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो केवल योगी के टाइम में बिगड़ी।